आप देख नहीं रहे हैं, 200-1300 से 200 कम किए, बाजीगरी है ये। और अभी चंद्रयान पर 1800 किसी गरीब कमजोर को कुछ मिल नहीं रहा है, ये खुद वैज्ञानिक बन गए हैं। जो हालात हैं, कुकीज पर कुछ बोलना, कहीं चुप हो जाना, मणिपुर पर नहीं बोलना, हिंसा होते रहना, अब इंडिया का इतना खौफ है। आप देखिएगा ना, 3 विधानसभा चुनाव जब हारेंगे तो 0 पर सिलेंडर आ जाए, अभी तो 2 से कम हुआ है, बाजीगरी 1100 में हमको मिलेगा। राजद सरकार में है ना, राजद के बाद एक कुछ वोट बैंक है ना कि नहीं है, उसको नज़रअंदाज करेंगे प्रसाद जी। राजद लंबे समय से सत्ता में है, राजद एक पार्टी है, जब सारी छोटी, जब किसी का कुछ नहीं है, जब वो कह रहे हैं, प्रशांत जी का क्या है, पप्पू यादव का क्या है। 3 तारीख को करेंगे और 11-12 तारीख से हम यहाँ से पद यात्रा निकालने वाले हैं, खुदीराम बोस के धरती से निकलेंगे, पटना पहुँचेंगे। आजादी, अपराध माफियाओं से, जमीन माफियाओं से, हमको इंडिया को सेव करना है। सब लोग कह रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के संस्कृति को सेव करना है, हमको साउथ को, नॉर्थ को, सबको मिला के सेव करना है, इंडिया को बचाना है। तो जब सब लोग एक ही बात रोप रहे हैं, नेक टू नेक सीट की बात कर रहे हैं, और डर सबसे ज़्यादा इंडिया से हो चुका है। अब 1800 करोड़ रुपया तनख्वाह नहीं एक भी वैज्ञानिक को मिल रहा है, ये खुद वैज्ञानिक बन गए, तो आप देख नहीं रहे हैं क्या स्थिति है। अहंकार का कोई मतलब नहीं है, पद का कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। 2024 सबसे इम्पोर्टेंट है। के पाठक सुपरमैन नहीं है, अच्छे पदाधिकारी हो सकते हैं, वो सुपरमैन नहीं है। आप दूसरे को सिस्टम इंप्लीमेंट करने की बात करिएगा और खुद ही अनुशासित और सिस्टम में नहीं रहिएगा तो फिर क्या होगा, एनआरकी हो जाएगा, ये गलत है। शिक्षकों का साथ देंगे इस मुद्दे पे आप? बिल्कुल, शिक्षक के साथ हैं, थे, आजीवन रहे। नमस्कार, मुजफ्फरपुर वार्ड देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। आज मुंबई में जो है इंडिया गठबंधन का बैठक होने वाला है, इसको लेकर उन्होंने बताया कि विपक्ष के बैठक से केंद्र सरकार में बौखलाहट है, वहीं वो लोग जो हैं बौखलाए हुए हैं। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने बताया कि आगामी 3 तारीख से पूरे बिहार में उनका जो है पदयात्रा जो है शुरू होने वाला है, आगामी 3 तारीख से उनका पदयात्रा शुरू होगा। और वहीं उन्होंने आज जो IAS KK पाठक के द्वारा शिक्षकों के छुट्टी पर जो कार्रवाई की गई है, इस पर भी उन्होंने बताया कि इसका वह समर्थन नहीं करते हैं। सभी को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर जापसीपुर में पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। आप देख नहीं रहे हैं, 200-1300 से 200 कम किए, बाजीगरी है ये। और अभी चंद्रयान पर 1800 किसी गरीब कमजोर को कुछ मिल नहीं रहा है, ये खुद वैज्ञानिक बन गए हैं। तो जो हालात हैं, कुकीज पर कुछ बोलना, कहीं चुप हो जाना, मणिपुर पर नहीं बोलना, हिंसा होते रहना, अब इंडिया का इतना खौफ है। आप देखिएगा ना, 3 विधानसभा चुनाव जब हारेंगे तो 0 पर सिलेंडर आ जाए, अभी तो 2 से कम हुआ है, बाजीगरी 1100 में हमको मिलेगा। और UPA सरकार में 400 पर मिलता था, 500 पर UPA सरकार में, तो क्या है। अच्छा, प्रशांत किशोर का कहना है कि राजद का एक भी MP नहीं है, लेकिन फिर भी वह मतलब ताबड़तोड़ इंडिया में जो है गठबंधन में लगे हुए हैं। सर, राजद का MP नहीं है, प्रशांत भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। राजद सरकार में है ना, राजद के बाद एक कुछ वोट बैंक है ना कि नहीं है, उसको नज़रअंदाज करेंगे प्रसाद जी। राजद लंबे समय से सत्ता में है, राजद एक पार्टी है, जब सारी छोटी, जब किसी का कुछ नहीं है, जब वो कह रहे हैं प्रशांत जी का क्या है, पप्पू यादव का क्या है, सबको जोड़ के ना कुछ होगा। हो मुजफ्फरपुर में रैली करने वाले हैं पप्पू यादव जी, मोतिहारी 3 तारीख को करेंगे और 11-12 तारीख से हम यहाँ से पद यात्रा निकालने वाले हैं, खुदीराम बोस के धरती से निकलेंगे, पटना पहुँचेंगे। क्या पद यात्रा का उद्देश्य? आजादी, अपराध, अपराध माफियाओं से, जमीन माफियाओं से पद यात्रा निकलेगी। हाँ, यहाँ से हम पटना जाएंगे पहले, फिर अलग अलग जगह से जाएंगे, बेटियों की सुरक्षा के लिए। और फैक्ट्री जो 800 यहाँ बंद है, उसको गवर्नमेंट अविलंब नोटिस ले और उसको जो रजिस्ट्रेशन है उसको रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे। साथ साथ मुजफ्फरपुर में SPD ट्रायल, सभी अपराधियों के खिलाफ, अभी भी अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं। और
सर इंडिया गठबंधन में ये क्या नीतीश कुमार कन्वेनर नहीं बनाया गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं बनाया गया मतलब हो गया, इंडिया गठबंधन कन्वेनर कोई और बन गया? नहीं नहीं अभी नहीं बने। जब नीतीश कुमार जी खुद ही कह रहे हैं कि हम कहीं किसी के दावेदार नहीं है, राहुल गांधी ने कहा हम पीएम के दावेदार नहीं है, अभी कांग्रेस इसके लिए बहुत इच्छुक नहीं है, हमको इंडिया को सेव करना है, सब लोग कह रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के संस्कृति को सेव करना है, हमको साउथ को नॉर्थ को सबको मिला के सेव करना है, इंडिया को बचाना है। तो जब सब लोग एक ही बात रोप रहे हैं, नेक टू नेक सीट की बात कर रहे हैं और डर सबसे ज़्यादा इंडिया से हो चुका है, अब 1800 करोड़ रुपया चौथ तनख्वाह नहीं एक भी वैज्ञानिक को मिल रहा है, ये खुद वैज्ञानिक बन गए, तो आप देख नहीं रहे हैं क्या स्थिति है? अहंकार का कोई मतलब नहीं है, पद का कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। 2024 सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षकों की सर ये छुट्टी रद्द कर दी? नहीं, ये इसके इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, हर आदमी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता की आज़ादी क्या है, हर आदमी को अपने अपने धर्म मजहब के साथ अपने अपने समाज के साथ जो सबके लिए है वही किसी के लिए, कोई अलग अलग मुखेर कानून नहीं होगा, सरकार की जो छुट्टी का दिन है वही होगा। के पाठक सुपरमैन नहीं है, अच्छे पदाधिकारी हो सकते हैं वो सुपरमैन नहीं है, आप दूसरे को सिस्टम इंप्लीमेंट करने की बात करिएगा और खुद ही अनुशासित और सिस्टम में नहीं रहिएगा तो फिर क्या होगा, एनआरकी हो जाएगा, ये गलत है। शिक्षकों का साथ देंगे इस मुद्दे पे आप? बिल्कुल, शिक्षक के साथ हैं, थे, आजीवन रहेंगे। आपने सुना कि जापसी प्रमुख पप्पू यादव ने क्या कुछ बताया है, उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है, उन्होंने मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन के बैठक पर भी बातचीत की है, उन्होंने बताया कि विपक्ष में बौखलाहट है, वही उन्होंने के पाठक को बताया कि वह एक अच्छे अधिकारी हो सकते हैं लेकिन वह कोई सुपरमैन नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि के पाठक एक अच्छे अधिकारी हो सकते हैं लेकिन वह सुपरमैन नहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।